महाराष्ट्र में सोमवार को 36 नए मंत्रियों को उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके साथ ही उद्धव मंत्रिमंडल में कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या 12 हो जाएगी, जबकि एनसीपी के मंत्रियों की संख्या 16 और मुख्यमंत्री समेत शिवसेना के मंत्रियों की संख्या 15 हो जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा वर्षा, एकनाथ गायकवाड़, यशोमती ठाकुर और अदिति, इन तीन महिला विधायकों को भी शपथ दिलाई गई है। वर्षा एकनाथ गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ की बेटी और दलित चेहरा है। धारवी से विधायक चुनी गई है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वर्षा गायकवाड़ के पिता एकनाथ गायकवाड़ है, जो 3 बार संसद सदस्य रहे। वो मराठी बौद्ध परिवार से ताल्लुक रखती है। वर्षा एकनाथ गायकवाड़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी है। वो मुंबई महाराष्ट्र में धारावी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2004 से अब तक एमएलए रही है। 6 मार्च 2017 को गायकवाड़ ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उन्हें अश्लील मैसेज भेजने का मामला दर्ज कराया था। अदिति सुनील तटकरे पहली बार विधायक बनी। एनसीपी नेता सुनील तटकरे की बेटी अदिति तटकरे को भी एनसीपी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। अदिति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। उन्हें 24 अक्टूबर 2019 को श्री वर्धन से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। अदिति सुनील तटकरे महाराष्ट्र के पूर्व जल संसाधन मंत्री की बेटी है। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है। उनका जन्म 10 जुलाई 1955 को सुतारवाड़ी कोलाड़ में हुआ था और उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से इंटर की पढ़ाई की थी। साल 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने से पहले सरकारी सड़क ठेकेदार के रूप में काम किया। 2004 में उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया। 2008 में उन्हें ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया गया। यशोमती ठाकुर कांग्रेस नेता है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा गया है। यशोमती ठाकुर कांग्रेस की ऐसी नेता रही है जिन्होंने शिवसेना के साथ सरकार बनाने की खुले तौर पर पैरवी की थी। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से आती है। तीसरी बार विधायक बनी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है। यशोमती चंद्रकांत ठाकुर 13वीं महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य है। वो पेशे से वकील है। वो कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है। वो टेओसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। वो विदर्भ से इकलौती महिला है, जिन्हें कर्नाटक राज्य में पार्टी मामलों के लिए AICC सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यशोमती ठाकुर को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के लिए AICC सचिव नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पार्टी के प्रमुख पदों पर युवाओं को लाने के राहुल गांधी के प्रयासों का एक हिस्सा है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना।